नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस दुनिया के सबसे डरावनी जगह के बारे में, जहां पर हर बच्चे को जाना पड़ता है नाजुक सी जान को अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस पत्थर दिलों वाली दुनिया में जाना पड़ता है। वो जगह है स्कूल। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर एक से अजीब एक प्राणी होते हैं, जैसे कंप्यूटर की वो प्यारी सी मैम जिनकी हंसी देखकर हम सब बच्चे फिदा हो जाते थे, और उसी हंसी के पीछे वो हमें डंडों से ढंग से कूटा करती थी। बिल्कुल भी तरस नहीं करती थी भाई, ढंग से कूटा करती थी, ढंग से। उस प्यारी सी हंसी के पीछे वो डरावना चेहरा रुला रुला कर घेर घेर कर कुत्ता बना बना कर मारती थी यार वो मैम। और वो ऊंट की सी हाइट का वो पीटीआई जिसका 16 का डोला होता था, और उसकी वो बेकार टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की आदत जिसको सेख ही मारनी जरूर, उसके 2 फुट का वो डंडा जिससे वो बच्चों को इतना कूटता था कुत्ता बना बना कर बजाता था, जो अपनी बीबियों की गालियों का गुस्सा हम नाजुक बच्चों के बदन पर उतारता था। घर पर रोज सुबह गालियां सुनकर आने वाला वो इंसान स्कूल में तो उससे बड़ा कोई शेर है ही नहीं, याद है वो मास्टर हमको। और वो मैथ के अजीब से मास्टर जिनकी एक तो आवाज कुछ ज्यादा रंग बिरंगी, और उनके जो अनोखे सवाल थे जो बच्चा उन पर ट्यूशन पढ़ता था उसके अलावा किसी और को समझ में आने ही नहीं है। और हम बेचारे यही सोच कर डर रहे थे कि कहीं हम मास्टर जी ये ना कह दें ए यू स्टैंड अप एंड डू दिस इक्वेशन, और उस मास्टर की अजीब सी हंसी भाई तो हंस रहा है तेरा गधा रह कर आए। और इंग्लिश की वो मोटी भैंसी सॉरी हेल्दी सी मैम जिनको सिर्फ स्कूल की बुराई करनी, स्कूल फीस कम देती है, स्कूल इस दिन की छुट्टी नहीं करती है, स्कूल में सब्जी नहीं काट सकते, स्कूल में बच्चे फ्री में नहीं उड़ा सकते, स्कूल में चैट नहीं कर सकते, और बराबर वाले स्कूल में हर दिन छुट्टी रहती है, ये रहती है वो रहती है, फलाना डेकना डेकने पे फलाना फला फला फला। तो मैम ऐसा करो, घर को स्कूल में शिफ्ट कर दो, यही बर्तन धोया करना, यही अपने पति के नाड़े वाले कच्चे ब्लैक बोर्ड पर टाक दिया करना, और अपनी सहेलियों को भी क्लास में बुलाकर यही बात छोक लेना। हमारा क्या है, घर वाले छोड़ देते हैं, आज जाओ इस जंगल में जहाँ पर मास्टर पढ़ाई से ज्यादा तो ट्यूशन पे ध्यान देते हैं, वही क्या है खाने के लिए नहीं देते स्कूल वाले क्या। अब हम बात करते हैं उस भुक्कड़ आदमी जो अपना एक कुंटल जो घर का खाना है ना उसे हजम करने के बाद भी बच्चों के टिफिन को ऐसे चेक करता है कि उनमें क्या राजा का खजाना रखा हुआ है। अब बात करते हैं हम उस थर्की लैब असिस्टेंट की जो लड़कियों से तो प्यार से बात करेगा और लड़कों के लिए उसके लिए नए नए कानून बन जाते हैं। वो बंदर लैब इंचार्ज है जब इतना भाव खाता है जैसे कि पूरे कॉलेज का नया प्रिंसिपल हो, और अगर गलती से आपने उस बंदे को सर कह दिया ना सर कह दिया तो भाई क्या मोदी बेचेगा उसके सामने और क्या बेचेगा ट्रम्प, सब उसके सामने नीचे है, उनसे भी वो ये कह देगा कौन है वे तो क्या करना चाहता है। चलो यार बात करते हैं स्कूल की लड़कियों, जो अगर क्लास में किसी बच्चे ने सीटें बजा भी दी ना तो बीसी हमारी पूरी प्रजाति पे इल्जाम तुरंत आ जाते हैं, सर पुलिस ने सीटी मारी है। ये कौन सी दुनिया का इंसाफ है जो हमारी पूरी प्रजाति बदनाम, और उनसे भी ज्यादा अकलमंद वो मास्टर जो डंडे को लेकर इतनी बुरी तरह से हमें कुत्ता बनाकर कूटता है। भाई साहब इतना कुत्ता बनाकर कूटता है ऐसा लगता है कि हमने सुबह जाकर उसकी जो टंकी है ना पानी की उसमें मुंह आए हम, और उसने सावर का पूरे मजे से मजा लिया है, और उसके बाद आज का पानी इतना खारा क्यों था, हद होगी यार। पूरे 8 पीरियड में 8 तरह के प्राणियों को झेलने के बाद अब बारी आती है छुट्टी की। छुट्टी होते ही बच्चे ऐसे भागते हैं कि फिर चाहे उनके सामने उस इनबोल्ट भी आ जाए उसको भी छट्टी का दूध याद दिलाना ही है। चलो तो यार आज के लिए इतनी बकचोदी बहुत है, प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यार जो ये लाल बटन है ना सब्सक्राइब का इसको तो भूलो ही मत, प्लीज यार सब्सक्राइब करके तो जरूर जाना। लव यू।